पीरियोडिक मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? आ मैट्रिक्स इज सेट टू बी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर ए, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स उसको हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम कुछ और फैक्ट्स जो देख सकते हैं वो होगा हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि एक पीरियड का हो, जिसकी पीरियड जो हो वन हो, वो हमारे पास इडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। या जैसे हम यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स भी हमारे पास इडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। या फिर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करें, तो जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर जीरो मैट्रिक्स से करते हैं तो वो भी जीरो मैट्रिक्स आता है, तो वो मैट्रिक्स भी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं।